सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सर कितना बाजुए का दिल में है। और जब जब मोदी करता है ईडी को आगे करता है, इसलिए मोदी जी ने षड्यंत्र के तहत सारे नेताओं को अरेस्ट करवाया है। देश का प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री, देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। गिरफ्तारी के बाद जारी रहेंगे लगातार प्रदर्शन, मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों लगता है कि हिटलर शाही चल रही है? क्यों लगता है हिटलर शाही है? आप खुद देख रहे हैं कि हिटलर शाही चल रही है। ये लेके देश का प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री, देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जो अपना बहुत बड़ी पार्टी कहती है, आज एक 10 साल की पार्टी से डर गई। आप किसको रोल चाह रहे हो? केजरीवाल को? केजरीवाल कोई शख्स नहीं है, केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, केजरीवाल कुछ नहीं है, केजरीवाल एक सोच है। कितनी सोच को रखोगे? हर घर में केजरीवाल बचा है, हमारी माताओं बहनों के दिल में केजरीवाल बचा है, बच्चों के दिलों में केजरीवाल बचा है, कितने के लोग को रखोगे? लेकिन इस सोच को लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सोच है। भ्रष्टाचारी होता तो सबूत मिलते ना। संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, सतेंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। कहाँ है सबूत? सबूत पेश करो ना। अरविंद जी ने अगर चंदे घोटाले की जांच कराने के लिए बोला तो कौन सा गलत किया? समन भेजे गए थे, पहुंच जाते केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं है, सब इनके तानाशाही हो रही है, ये देश देख रहा है। और 2024 के अंदर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिल्ली की जनता, देश की जनता देगी, क्योंकि केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता नहीं, देश की एक एक जनता साथ है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की क्या लग रहा है कि कुछ हल निकलेगा? कुछ हल निकलेगा? मोदी जी को रिहा करना पड़ेगा। अभी तक कोई सबूत नहीं निकले है तो ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, सातों सांसद केजरीवाल के जीत रहे, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि केजरीवाल अपनी जनता के बीच में जाके अपनी बात रखे, इसलिए मोदी जी ने षड्यंत्र के तहत सारे नेताओं को अरेस्ट करवाया है चुनावों से पहले। चुनावों के चलते हो रहा है भ्रष्टाचार नहीं किया। अपनी अपनी पार्टी में भी खंगाल है, कितने भ्रष्ट नेता है। ब्रजभूषण सबसे निकम्मा नेता है, जो महिला पहलवानों को घर पे बिठा दिया और मोदी जी ने दोबारा उसको अध्यक्ष बना दिया। फूलमालाओं से वो घूम रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। मोदी जी महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं बोलते कभी भी। ठीक है, देखिए प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ा हुआ है और यहाँ पर जिस तरीके से लोग, अगर बात की जाए तो तानाशाही के साथ साथ लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरी गिरफ्तारी में हाथ जो है भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए पीछे अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार ये चिल्लाते हुए दिख रही हैं कि किस तरीके से चीजें जो है लगातार वो यहाँ पर साफ तौर पर है। आइए बातचीत करते हैं, क्या लगता है कुछ हल निकलेगा इस प्रदर्शन का? बिल्कुल क्यों नहीं निकलेगा। देखिए बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये आपको भी पता है, मीडिया को सबको पता है। और आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद भी एक प्रदेश के सीएम को गिरफ्तार किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। बिल्कुल देखिए आप सब लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों को यहाँ प्रदर्शन भी नहीं किया जा, अपनी आवाज नहीं हमें उठाने दी जा रही, लेकिन हम तब तक संघर्ष करेंगे। देखिए ये बहुत गलत हुआ है और आगे आगे भी और इससे ज्यादा गलत होना हो रहा होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल पहुंच गए हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक, कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे। और आज अभी धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता सड़क पर आ रहे हैं, सभी महिलाएं आएंगी और हम लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। महिलाएं ज्यादातर पहुंचेंगी क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत काम है। बिल्कुल, अभी देखते जाइए आप, सड़कें पूरी जाम होने वाली है, सब कार्यकर्ता अपने अपने घरों से निकल कर एक आम आदमी यहाँ पहुँचने वाला है। देखिए साफ तौर पर अगर बात की जाए तो लगातार वो देख रहे हैं सारी चीजों को, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे देख रही है इस गिरफ्तारी को? ये सरासर गलत इंजाम लगा के हमारा केजरीवाल जी को बंद किया, ठीक है,
तो देखो अगर वो खराब भ्रष्टाचार होते तो कुछ ना कुछ मिलते ना, चार चार नेताओं को बंद किया। तो देखिए अगर बात लगातार भ्रष्टाचारियों की बात की जाए तो साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर जो है लगातार केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर के गलत गिरफ्तारी की गई, सोची समझी साजिश है। फिलहाल तब देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था।